नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए दो बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज की दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है हमारे सभी रिटायर्ड सैनिकों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए क्या बड़ी दो खुशखबरी आई है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पहली बड़ी खबर, पूर्व सैनिकों को मिलेगा अब आवश्यक रूप से आरक्षण, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के हितों के कल्याण के लिए नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी केंद्रीय सिविल सेवा के सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के नियम का पालन आवश्यक रूप से किया जाए। तो दोस्तों ये जो DOPT की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं इसके अनुसार अब केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में केंद्रीय सिविल सेवा और ग्रुप सी ग्रुप डी पद तथा सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सहायक कमांडेंट के स्तर तक के सभी पदों पर सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि केंद्र सरकार हमेशा भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल करने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा विभिन्न सेवाओं में छूट प्रदान कर उनके कल्याण का प्रयास कर रही हैं। पूर्व सैनिकों को आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न छूट प्रदान की गई हैं, जैसे रिक्त पदों में छूट, आयु में छूट, योग्यता मानक में छूट, नियुक्ति प्राथमिकता आदि में छूट मिलती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की सेवाओं में होने वाले रिक्त पदों में से कुल प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होता है तथा उनके द्वारा भरने का प्रावधान भी किया गया है। और हमारी अगली बड़ी खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, केवल भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देगा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में केवल पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। सरकार ने निगम की भर्ती प्रक्रिया पर कैंची चलाते हुए गैर पूर्व सैनिकों के साथ वीर नारियों और पूर्व सैनिक आश्रितों को बाहर कर दिया है। गुरुवार को शासन ने नियम के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर नए सिरे से शासनादेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दो बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।